ઓફ વડોદરા। शनिदेव जन्म उत्सव की उजवणी साथ साथ खंडेलवाल परिवार द्वारा 40 जेटला बाळकों अभिवादन कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। कर्मफल दाता गणाता भगवान श्री शनिदेव की जयंती शुभ अवसर पर दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण समाज स्थित अयप्पा गरबा ग्राउंड खाते यज्ञ और महाभंडारा आयोजन समाज में जाणीता बनेला राजेश खंडेलवाल और ममता खंडेलवाल द्वारा करवामां आव्यो। आ प्रसंगे पाठभवन सोरतोश्विनी ट्रस्टना 40 बाळकोनु अभिवादन करवानो कार्यक्रम खंडेलवाल परिवार द्वारा राखवामां आव्यो। आ प्रसंगे शहर भाजप प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट, स्थानिक कॉर्पोरेटर वर्षाबेन व्यास सहित अग्रणीओ उपस्थित रह्या हता। अयप्पा ग्राउंड खाते भगवान श्री शनिदेवना यज्ञनो प्रारंभ थयो हतो, जे बाद बपोरे आरती योजाई हती। धार्मिक कार्यक्रम अंतर्गत सांजे महाप्रसादीनु आयोजन करवामां आव्यु हतु, जेमां अंदाजे 20,000 भक्तोए प्रसादीनो लाभ लीधो हतो। खूब ज टूंक समय में समाज अने पोताना विस्तार में जाणीता बनेला राजेश खंडेलवाल द्वारा सतत विविध सामाजिक अने गरीबों उत्थान माटेनी कामगीरी थती आवती होय छे। जन्मजयंती निमित्ते समग्र वडोदरा शहर में शनिदेवना महाराज पर भक्तों द्वारा शनिदेवनी पूजा करवामां आवी रही है। त्यारे अयप्पा मंदिर ग्राउंड खाते समा सावली विस्तार में मान्य श्री राजेश भाई खंडेलवाल मध्यम थी सतत त्रीजा वर्षे एक सुंदर मजाना शनिदेवना प्रसाद एटले के भंडारा आयोजन करवामां आव्युं छे। 10,000 थी पण वधारे लोको आज आ भंडारा में अहीं उपस्थित थया छे अने साथे साथे बाळको जे आवनारा समयनु आपणुं भविष्य छे, आ बाळको जे लोको पासे आर्थिक सक्षमता नथी, बाळको जेना माता पिता एमने प्राइवेट स्कूलमां भणावी शकता नथी, आवा बाळको के जे लोकोनुं कदाच रहेवानी जग्या पण निश्चित नथी, एवा बाळकोने भणावती एक संस्था अने ए संस्थाना माध्यमथी आ बाळको ज्यारे 6ठ्ઠા ધોરણમાં, 7મા ધોરણમાં, 8મા ધોરણમાં, 10મા ધોરણમાં, 12મા ધોરણમાં સુંદર મજાના માર્કથી ઉત્તીર્ણ થયા છે, ત્યારે બાળકોને સૌથી વધારે ગમતી એટલે કે એમની સ્કૂલ બેગ અને એની સાથે સ્કૂલ બેગમાં એમને ભણવા માટેની અલગ અલગ વસ્તુઓ મૂકી અને બાળકોને વિદ્યાદાન કરવાનું કામ પણ જ્યારે એમના માધ્યમથી થયું છે, ત્યારે સમસ્ત ખંડેલવાલ પરિવાર, ખાસ કરીને મમતાબેન અને રાજેશભાઈ ખંડેલવાલને વડોદરા શહેરની ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી આ શુભ કાર્યમાં સહભાગી થવા માટે ખૂબ ખૂબ એમને અભિનંદન આપું છું। सर, शनि जयंती के भव्य अवसर के ऊपर हम लोगों ने आज शनि भगवान की पूजा और भंडारा का आयोजन किया। साथ में हम लोगों ने हमने एक ट्रस्ट के माध्यम से हमने जो एक आवास के अंदर जो लोग अपनी स्टडी के अंदर पैसा नहीं खर्च कर पाते उनके लिए हम लोगों ने उनको बैग्स, स्कूल बैग्स, बैग्स हैं, फिर आपको बुक्स हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक शीट, उनको एक सर्टिफिकेट दिया ताकि उनको एक उनका मोरल बढ़े, वो आगे खूब आगे जाके ज़िंदगी में आगे बढ़े और तरक्की करें। ये हमारा एक गोल है जो हमारी समाज के अंदर जो कि मैसेज भी देना चाहते हैं कि सभी लोग इस मैसेज को देखकर हम लोग सब आगे जाएं और अच्छे से अच्छा कार्य। ये तो भंडारा है, अनाज दान, अन्नदान शनि महाराज का सबसे बड़ा दिन है, तो मेरे हिसाब से मैंने ये जो काम किया है, मेरी मन को और मेरी आत्मा को एक शांति मिली कि मैंने कोई अच्छा काम भी किया। इस बहाने समाज से एक मैसेज भी जाता है कि सभी लोगों को अगर ऐसा कार्य करें तो हमारी चीज़ों को समाज में से ये चीज़ हमेशा के लिए दूर होगी। जय हिंद। क्या शनि जी, शनि भगवान से क्या प्रार्थना किया जी? शनिदेव से ये प्रार्थना करी है मैंने कि ये सालों साल ये भीड़ जो प्रजा है हमारी ये बढ़ती चली जाए, और मेरा मानना है कि मेरे इस काम से सभी लोग बड़े प्रसन्न भी हैं और काम करने के लिए सब लोग बड़े
सभी लोग मेरे साथ मिलजुल के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। खंडेलवाल समाज हुआ, फिर हमारे भरवाड़ समाज हुआ, हमारे अग्रवाल समाज हुआ, ये लोग काफ़ी लोग मिलकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये संगठन दिन पे दिन बढ़ता चला जाए और मैं इस तरीके से अच्छे से कार्य करने के लिए हमेशा प्रोत्साहन दूँ और आप लोग सभी लोग मेरा साथ दें। जय हिंद। ममता बेन आई, मेरी तरफ से शनि भक्तों को बहुत बहुत नमन। हम लोग हर साल ये जो शनि भंडारा करते हैं हर शनि जयंती पर, तो उसकी वजह से मतलब दिन पर दिन हमारा बढ़ता ही जा रहा है लोगों का भीड़ वगैरह। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जिस तरह से हमारा ये भंडारा सक्सेसफुल जाता है उसी तरह से हमारा देश भी उसी तरह से तरक्की करे। बस मुझे यही कहना है। ऐसा काम कर रहे हैं इससे मेरे बहुत बड़ा गर्व की बात है। मैं चाहती हूँ ऐसे बच्चे हर माँ पैदा करे और हर ये प्रोग्राम होते रहे, यही मेरी खुशी और यही मेरा आशीर्वाद है। शनि महाराज की जय हो। क्या कहना चाहोगे आप? मैं आज के प्रोग्राम में देख रही हूँ, भीड़ देख के इतनी खुशी हो रही है कि भाई मतलब बोलने के मतलब मेरे को शब्द नहीं है कि इसको देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों ने इतना बड़ा प्रोग्राम करा है। ये छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आ रहे वो तो मैंने बोला ही है, इतने बच्चे इतने आए और इतने इतने सुंदर सुंदर नंबर लेके आए और उन्हें इनाम मिला, इन्हें कितनी खुशी मिलती होगी वो देख के मुझे खुशी। मेरी लाइफ का पहला अनुभव है तो मैं बहुत खुश हूँ, पहला अनुभव है। थैंक यू।